और निशुल्क रहेगा वो ऑटो की सुविधा मिलेगी जो कि आपको कथा स्थल तक लेकर जाने वाली है। रात्रि के समय आप भी यहाँ पर सेवा देना चाहते हो, अपना भोजन या फिर कुछ बांटना चाहते हो तो आप भी आकर, और सभी ऑटो का अभी फिलहाल 7 दिन तो अच्छा खासा कमाई हो रहा है, ये भी है। कार्ड वाले भी सबको यहाँ पर पैदल जाने की अनुमति दिया जा रहा है, पैदल जा सकते हो आप। पुलिस वाले यहाँ पर ट्रकों को रुकवा दिए गए हैं क्योंकि अभी श्रद्धालु की भीड़ जो है निकल रहे हैं, जिसके कारण से ट्रक यहाँ पर साइड में कर दिए। ये देख पा रहे हो यहाँ पर भी गेट बनी हुई है शिव महापुराण कथा के, ये है DPS चौक तरफ से। अगर अंदर जाओगे तो बस आई हुई है देखो इस तरीके से। अब इसमें भी लोग किराया करके आए हुए हैं, आप देख पा रहे होगे। आप अगर नहीं आए होगे भिलाई अभी तक कथा सुनने के नाम से, तो आप भी जरूर आए और जल्दी से जल्दी आए और कथा का रसपान करें। और पार्किंग पेड़ झाड़ कहाँ कहाँ नहीं रखे हुए पार्किंग, यहाँ पर 11 वर्ष के बच्चे यहाँ पर घूम चुका है। जावन दो दाई घुचो वो थोड़कन थोड़ा साइड दो, श्री शिवाय नमस्तु भी हम दाई खसकोन हो। ये देखो निःशुल्क यहाँ पर सेवा का ई रिक्शा चल रही है, आप देख पा रहे हो पीछे में बोर्ड लगा हुआ है निःशुल्क निःशुल्क निःशुल्क। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, ये गाड़ियाँ देख पा रहे होगे आप किस तरीके से पार्किंग में लगी हुई है। पूरा भिलाई शहर सिटी सेक्टर 6 पूरा यहाँ पर पार्किंग से भरा हुआ रहता है, देख पा रहे हो। ये गेट बनी हुई है, सेल परिवहन चौक है यहाँ पर। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा पर कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, और जितने भी भीड़ भाड़ नज़र आ रही है पूरा सब शिव महापुराण कथा सुनकर यहाँ पर कथा का रसपान करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। तो यही चीज़ आप लोग को दिखा रहा हूँ, कितने भीड़ भाड़ है ये चीज़ आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देख पा रहे हो ऑटो ऐसे खड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन समझ के, यहाँ पर लगातार ऑटो खड़ी हुई है। देख पुलिस वाले लोग खड़े हुए, बेचारे लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, चारों तरफ पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं। सभी के सभी का एक ही ड्यूटी है कि पार्किंग अच्छे से अच्छे हो, भीड़ भाड़ ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी भी प्रकार की पब्लिक श्रद्धालु भक्तगण को तकलीफ ना हो, ऐसा इनका सुझाव है। और दुर्ग पुलिस काफ़ी सहायता कर रहे हैं, ये इस तरीके से देखो पुलिस वाले लोग पूरा के ड्यूटी लगे हुए हैं, साथ साथ यहाँ पर भोजन भंडारना पानी वगैरह का भी सुविधा है। देख पा रहे हो इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर कथा स्थल पर, अगर चले जाए हम तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ से निकलती है। और आप लोग को अभी फिलहाल मैं रोड का ट्रिप पूरा दिखाने वाला हूँ, चारों तरफ किस तरीके से भीड़ भाड़ है और बाइक ऑटो यहाँ पर लगभग आते रहती है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर सेल परिवहन चौक पर आ रहे हो तो आप लोगों को फ्री में और निशुल्क रहेगा वो ऑटो की सुविधा मिलेगी जो कि आपको कथा स्थल तक लेकर जाने वाली है। तो इस तरीके से यहां पर सुविधा भी दिया गया है, फ्री निशुल्क कथा तक जाने के लिए ऑटो ई रिक्शा की सुविधा दिया गया है प्रत्येक शिव भक्तों को यहाँ पर दिया गया है। ऐसा नहीं है किसी एक पर्सन को मिलेगा, प्रत्येक शिव भक्त को यहाँ पर दिया गया है। ये देख पा रहे हो भीड़ यहाँ पर श्रद्धालु के, इधर भी देख पा रहे होगे कि भोजन भंडारा यहाँ पर बट रहे हैं, खाने पीने का खिचड़ी वगैरह है अत्यधिक मात्रा में, यहाँ पर भोजन भंडारा होता है और वो भी निःशुल्क होता है। यहाँ पर कई श्रद्धालु रात में भी आप लोगों को दिखाया हूँ किस तरीके से भोजन भंडारा करवाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर भंडारा के रूप में दिया जाता है। श्रद्धालु आए हुए हैं दूर दूर से, उनको कुछ सहयोग देते हैं खाने पीने का। इस तरीके से यहाँ पर भिलाई निवास के भिलाई के लोग जो हैं, भिलाई के जितने भी भक्तगण हैं वो यहाँ पर श्रद्धालु को, आए हुए श्रद्धालु को भोजन भंडारा के साथ साथ सभी प्रकार की सुविधा दिए जा रहा है, सेवा प्रदान किए जा रहे हैं। यही चीज़ आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। और रात्रि के समय आप भी यहाँ पर सेवा देना चाहते हो, अपना भोजन या फिर कुछ बांटना चाहते हो तो आप भी आकर बाँट सकते हो, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। सभी श्रद्धालु रहते हैं यहाँ पर, एक्टिव रहते हैं और कभी भी आके आप कभी भी बांट सकते हो। देख पा रहे हो भीड़ यहाँ पर, पूरे ऑटो भाई यहाँ पर ज़बरदस्त टाइप में भीड़ है, ऑटो में पैर रखने की जगह नहीं है, इतना ज़्यादा ऑटो यहाँ पर आ चुका है। और सभी ऑटो का अभी फिलहाल 7 दिन तो अच्छा खासा कमाई हो रहा है, ये भी है। दूर दूर तक श्रद्धालु को छोड़ने जा रहे हैं, पूरा दुर्ग भिलाई में पूरे गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं यहाँ पर ऑटो की सुविधा, पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, देख पा रहे हो इस तरीके से। ये देखो पूरा इस साइड भी पूरा आप लोग को मिलेगा भीड़ ज़बरदस्त टाइप में यहाँ पर, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। चेयर वगैरह भी लेके गए हुए हैं, कई लोग का पैर में दिक्कत रहता है जिसके कारण से बैठ नहीं पाते हैं, तो उन लोग के लिए चेयर लेके गए हैं, चेयर की सुविधा भी है। इधर तक पूरा पार्किंग की सुविधा है, आप लोग को पार्किंग मिल जाएगा इधर पूरा लगातार, ये देख पा रहे हो इस तरीके से। अब चलते थोड़ा आगे चलते हैं और VVIP के तरफ से कैसे कार निकल रही है, बाइक निकल रहे हैं। और एक नंबर गेट तो आप लोगों को दिखा दिए हैं, अब 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर भी दिखाते हैं आप लोग को,
सारे तरफ आप लोग घुमाएंगे। आज आज यही करने वाले हैं हम लोग कि जितने भी श्रद्धालु निकलेंगे भीड़ आप लोग को दिखाने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आती है प्रत्येक दिन यहाँ पर कथा का स्नान करने के लिए। दूर दूर तक श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। देख पा रहे हो यहाँ पर भी बैरिकेड लगाए हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि रोक टोक कर रहे हैं, इधर आने के लिए मना कर रहे हैं बड़ी गाड़ियों को। डायरेक्ट चले जाइए इस तरीके से, ये है चौक और यहाँ से आप मैत्री बाग जाने के लिए ये चौक है। आगे से लेफ्ट लोगे तो मैत्री बाग भी जा सकते हो। इस तरीके से भिलाई के चारों तरफ इतने ज़्यादा भीड़ है अभी जब तक कथा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा, और पुलिसकर्मी के बहुत ही ज़्यादा सहयोग है जिसके कारण से यह भीड़ भी ना के बराबर है। आप लोग को बतला देता हूँ कि दुर्ग, भिलाई, जामुल, धमधा, इस तरीके से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, कथा का रसपान करने हुए आए हैं। ये देख पा रहे हो पूरा कार खड़ी है, VVIP गेट है ये, तो यहाँ पर भी कार को यहीं रोड पर खड़े करने बोल दिए। यहाँ से पैदल जा सकते हो क्योंकि जगह फुल हो गया होगा अंदर पे, ज़्यादा यहाँ पर जगह नहीं है कार वार रखने के लिए, इसलिए जितना भी कार है वो बाहर रखने के लिए बोले गए हैं। ये देख पा रहे हो पास वाले भी, कार्ड वाले भी, सबको यहाँ पर पैदल जाने की अनुमति दिया जा रहा है, पैदल जा सकते हो आप। इस तरीके से पुलिस वाले यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं अपना अपना, बहुत ही बढ़िया से सेवा कर रहे हैं शिव महापुराण पे। देख पा रहे हो कहाँ तक पूरे कार यहाँ पर लगी हुई है, दूर दूर तक जितने पब्लिक है उससे तो ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बाइक कार यहाँ पर चल रही है सुविधा के लिए, सेवा के लिए। ऑटो रिक्शा तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा ऑटो रिक्शा भी चल रही है, इससे बहुत कुछ सुविधा भी है कि भीड़ से अच्छा किसी का तबीयत ख़राब है तो ऑटो रिक्शा की सुविधा से जा सकते हैं। ये पाटन और उतई के लिए जो रोड जाता है वो रोड है, ये पाटन उतई जा सकते हो आप। और अभी हम लोग को DPS चौक जाना है, वहाँ पर की भीड़ आप लोग को दिखाता हूँ मैं। ये पाटन उतई के लिए रास्ता है, इधर भी ज़्यादा भीड़ लग रही है क्योंकि पाटन उतई तरफ से भी यहाँ तक से राजिम से तक यहाँ पर आते हैं कथा का रसपान करने के लिए दूर दूर से, इसलिए चारों तरफ भीड़ भीड़ नज़र आ रही है। पुलिस वाले यहाँ पर ट्रकों को रुकवा दिए गए हैं क्योंकि अभी श्रद्धालु की भीड़ जो है निकल रहे हैं, जिसके कारण से ट्रक यहाँ पर साइड में कर दिए कि दुर्घटना ना हो किसी भी प्रकार के, जिसके कारण से यहाँ पर गाड़ी लगातार खड़ी कर दी है। इसको रिसाली चौक, DPS चौक भी बोलते हैं, यहाँ से आप रिसाली जा सकते हो, DPS स्कूल है यहाँ पर इसलिए DPS चौक बोलते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को गेट देखने को मिलेगा और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु की भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा अधिक है। यहाँ पर पुलिस कर्मियों को जिधर भी देखो उधर यहाँ पर ड्यूटी लगे हुए हैं। ये देख पा रहे हो यहाँ पर भी गेट बनी हुई है शिव महापुराण कथा के, ये है DPS चौक तरफ से अगर अंदर जाओगे तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग जाएंगे पार्किंग स्थल पर, पार्किंग स्थल पर कितने ज़्यादा भीड़ है वो दिखाते हैं आप लोग को, जो कि भिलाई क्लब के जो सामने पर लगी हुई है बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ से भीड़ कैसे निकल रही है, देखो आप लोग पार्किंग स्थल की ओर लेके जा रहा हूँ, वहाँ का देखते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। एकांतेश्वर महादेव का शिव महापुराण कथा चल रहा है, ये है भिलाई होटल और आगे भिलाई क्लब भी मिलेगा आप लोग को। देख पा रहे हो किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर भीड़ पे निकल रहे हैं और एक गांव से 20-30 जन आए हुए हैं, ऐसे ऐसे घूमने आए हैं, गाड़ी किराया कर करके आए हैं यहाँ पर कथा का रसपान करने के लिए। देख पा रहे हो मुँह कान बांध के हुए भाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो चुकी है। बस भी आया हुआ है, बस देखने को मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर, बस रखा हुआ है बड़ा बस आई हुई है देखो इस तरीके से। अब इसमें भी लोग किराया करके आए हुए हैं, आप देख पा रहे होगे क्या ज़बरदस्त पार्किंग बनाई हुई है भाई, निशुल्क पार्किंग है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कार गाड़ी का कोई पार्किंग चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर शिव महापुराण कथा सुनने को मिल रही है, कथा का लाभ उठा रहे हैं पब्लिक। ये देख पा रहे हो निःशुल्क कार पार्किंग है, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं है इस तरीके से चारों ओर, और कथा स्थल से श्रद्धालु निकल रहे हैं भीड़ में काफ़ी मात्रा से। ये देख पा रहे हो पूरा भीड़, ऐसे लग रहा है कहीं मेला वेला है यहाँ पर, कुछ भोजन भंडारा बट रहा होगा इसके कारण से अधिक लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देख पा रहे हो खाते पीते अपना भोजन भंडारा का लाभ उठाते हुए कथा सुने हैं, गर्मी बहुत लगी होगी, भूख भी लगी होगी जिसके कारण से सभी श्रद्धालु कुछ खाने को देख रहे थे तो यहाँ पर भोजन भंडारा किया गया। इस तरीके से भिलाई वासी काफ़ी ज़्यादा सेवा पर लगी हुई है श्रद्धालु के, क्योंकि इस यही मौका है जो अपना सेवा दिखा पा सकते हैं भिलाई वासी अपना। बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर पार्किंग लगाई गई है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ कथा स्थल से जा चुके हैं। आप अगर नहीं आए होगे भिलाई अभी तक कथा सुनने के नाम से तो आप भी ज़रूर आए और जल्दी से जल्दी आए और कथा का
रसपान करे पा रहे हो। इधर भी पुलिस वाले कर्मी लगे हुए, पुलिस कर्मी की बहुत ज़्यादा सेवा चल रही है भाई। सबसे ज़्यादा टाइम तो यही लोग दे रहे हैं इनको। कथा का तीसरा दिन था आज, एक कार मोड़ने के चक्कर में यहाँ पर इतने ज़्यादा जाम हो रही है। धीरे से धीरे, जल्दी से जल्दी मोड़ के निकलना चाहिए। ये देख पा रहे हो इधर से कितने लोग निकल रहे हैं अभी। और पार्किंग, पेड़ झाड़ कहाँ कहाँ नहीं रखे हुए पार्किंग यहाँ पर। बाइक वाइक को अपने कहीं भी रख दिए गए हैं, क्योंकि जहाँ से निकलते बने वहीं रखना सही है। और जल्दी से जल्दी रखते हैं और उसके बाद कथा स्थल पर पहुँचते हैं। ये देख पा रहे हो इधर से कैसे निकलते हैं पब्लिक। श्रद्धालु की ज़बरदस्त भीड़ है भाई। पुलिस वाले भगा रहे हैं, जल्दी से जल्दी जाओ साइड हो, यातायात में दिक्कत नहीं आना चाहिए। जिस एकांतेश्वर महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, सभी को कमेंट करो भर भर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। और किस प्रकार से वीडियो चाहिए आपको यहाँ पर कथा स्थल के, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊँगा। ये दूसरा नंबर का गेट दिखा देता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा भीड़ है भिलाई में। माताएँ बहनें टीका लगाई हुई है बढ़िया। कथा स्थल से निकलते हुए बहुत सुंदर दिख रहे हैं, सबके सब कथा स्थल से आ रहे हैं, पहचान हो जाती है। देखो भीड़ यहाँ पर मिलने वाली है हम लोग को, ज़बरदस्त भीड़। लेकिन आप लोगों को दिखाना भी है, भीड़ चलेगा सब चीज़ चलेगा, आप लोगों को दिखाते हैं सही। ये देखो भीड़, सब कथा सुन के आ रहे हैं सब। ये देखो भाई भीड़, सब आइसक्रीम खाते हुए निकल रहे हैं बढ़िया एकदम। ये देखो इधर से निकल रहे हैं सभी श्रद्धालु और सभी आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं बढ़िया। आनंद तो उठा लिए हैं, कथा तो सुन लिए हैं, अब थोड़ा खा पी लेते हैं। पेट पूजा भी ज़रूरी है, जिसके कारण से तन मन धन से और भोजन करके कथा प्रांगण पर पहुँचे थे। और फिर से भूख लगी है तो कुछ खाते पीते घर जा रहे हैं। 11 वर्ष के बच्चे यहाँ पर घूम चुका है, 12 वर्ष का है बच्चा। जिधर देखो उधर ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, चारों ओर भीड़ देखने को मिलेगा आप लोग को। इधर देखो इधर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ तो इधर ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑटो रिक्शा भी चल रही है, बाइक भी चल रही है, पब्लिक भी चल रहे हैं, जिसके कारण से अधिक जाम हो चुके हैं। जावन दो दाई घुचो वो थोड़कन थोड़ा साइड दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दाई खसकोन वो। देखो कितना ज़्यादा भीड़ है भाई, ज़बरदस्त भीड़ है भाई, ज़बरदस्त भिलाई में ऐसा भीड़। और एक बार और हुआ था श्री शिव महापुराण का था सेक्टर 7 में, इतना भीड़ तो है ही नहीं उसमें, एक इतने लोग तो आए ही नहीं थे। ये तो रिकॉर्ड बना दिया है शिव महापुराण का था, दूसरे बार में इतने ज़्यादा भीड़ आए हुए हैं। देख पा रहे हो यहाँ पर कथा स्थल पर चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था किए गए हैं। ये देखो निशुल्क यहाँ पर सेवा का ई रिक्शा चल रही है, आप देख पा रहे हो पीछे में बोर्ड लगा हुआ है निशुल्क निशुल्क निशुल्क, चारों ओर निशुल्क लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और ये निशुल्क ई रिक्शा पर आप जा सकते हो अगर कोई। ये देख पा रहे हो ये सेल परिवहन चौक, यहाँ से घुसे थे हम लोग, एक राउंड मार के चारों गेट दिखा दिया आप लोग को, फिर भी यहाँ पर भीड़ खाली नहीं हुआ है अभी तक, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है।